हरियाणा विधानसभा बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है। दिल्ली में मीडिया से रूबरू होते हुए हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बड़ा बयान दिया है। हुड्डा ने कहा, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है, अब तो सीधा चुनाव लड़ेंगे। काम चलाने के लिए जो भी पार्टी नियुक्ति करेगी उसी के साथ जाएंगे। साथ ही ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में मौजूदा सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि भाजपा सरकार हर मोड़ पर विफल रही है, प्रदेश में कानून व्यवस्था का अता पता नहीं है। देखिए, कल हमारे विधायक दल की मीटिंग है, उसमें सारा हम डिस्कस करेंगे, अपनी रणनीति बनाएंगे। मुद्दों की तो कमी नहीं, ये तो बिल्कुल विफल सरकार है हर मोड़ पर। जिस प्रकार से बेरोजगारी लोगों में फैली है, किसान बर्बादी के कगार पे है, व्यापारी वैसे परेशान है, कानून व्यवस्था नाम की तो धज्जियां उड़ी हुई हैं, रोज कहीं डाके, कहीं कत्ल, कहीं इस किस्म का काम हो रहा है। मुद्दे ही मुद्दे हैं, मुद्दे मुद्दों की कोई कमी नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले और क्या, जो विफल सरकार है, जो वायदा करके आए थे, इसे पूछें सरकार से, भाई 2014 में क्या वायदा किया था, क्या इन्होंने पूरा किया? 154 वायदे किए थे, एक भी वायदा पूरा करने की तो बात दूर है, उसके नज़दीक भी नहीं पहुँचे ये। बल्कि उल्ट, जो हरियाणा प्रगति कर रहा था, जो बहुत चीज़ों में नंबर एक था, चाहे प्रति व्यक्ति आय में नंबर एक था, प्रति व्यक्ति निवेश में था, आज कहीं है ही नहीं हरियाणा। जो पिछड़ गया हरियाणा, उसके लिए जिम्मेवार पूर्ण रूप से दोषी है। तीन बार तो हर बर्बाद करने का काम किया है, जिस प्रकार से आंदोलन में फौज बुलाई इन्होंने, जब से हरियाणा बना है और 2014 तक पुलिस फायरिंग में 80 आदमी नहीं मरे होंगे। 2014 के बाद इन्होंने पुलिस में 80 आदमी फायरिंग में मरे। कानून, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं है, कानून व्यवस्था के नाम का है ही नहीं। और जिस प्रकार से जान और माल का नुकसान हुआ, उन्होंने प्रकाश सिंह कमेटी बिठाई और प्रकाश सिंह कमेटी ने साफ कह दिया, पूर्ण रूप से सरकार दोषी है, इसको इंडक्ट किया है सब।